गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, नमस्ते। आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन ई विद्या चैनल नंबर 9 पर, और मैं हूँ कुसुम प्रसाद। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए, और आज का टॉपिक है सर्कल्स। आज हम पढ़ेंगे सर्कल पार्ट 2, और इसे पढ़ाने के लिए हमारी एक्सपर्ट हैं मिसेस बीना प्रकाश मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। नमस्कार मैम। नमस्ते। गुड आफ्टरनून लर्नर्स। गुड आफ्टरनून मैम। मैम है सीनियर पीजीटी मैथमेटिक्स कैंपियन स्कूल भोपाल से। तो मैम बताएंगी आपको इस चैप्टर के बारे में, सर्कल्स के बारे में आपको डिटेल में। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं हमारे विभिन्न माध्यम, किस तरह से आप इसमें अपने फीडबैक भेज सकते हैं हम तक, अपने फीडबैक, अपने क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर, वो है 8800440559 पर। आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पर दिखाई दे रहा है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dth.class9@cit.nic.in पर। तो अब हम रुक करते हैं हमारे एक्सपर्ट बीना मैम की तरफ। मैम, शुरुआत करते हैं आज का सेशन सर्कल्स पार्ट 2। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट पार्ट सर्कल का देखते हैं कि हमने डिस्कस किया था आर्क, सारे एलिमेंट्स ऑफ सर्कल्स, और उसमें कुछ थ्योरम्स डिस्कस किए थे। अब इसके आगे चलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क इज अ पार्ट ऑफ दिस सर्कमफेरेंस, इस पार्ट दैट इज ए से लेके ये ए टू बी, इस पार्ट को आर्क ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। अब ये जो आर्क है, ये एक एंगल सबटेंड करता है, सबटेंड बना करता है, मतलब यहाँ ये किसी एंगल का एंड पॉइंट है। ये दो पॉइंट्स ए एंड बी जो दिख रहा है, वो किसी एंगल का एंड पॉइंट है। तो ऑब्वियसली एंगल बनाने के लिए उसका एक वर्टेक्स चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जिससे ये ए और बी कनेक्ट करे। तो यहाँ पे जो पॉइंट जो है वो कहाँ कहाँ हो सकता है? अगर ए बी जो आर्क में है, तो द पॉइंट्स दैट वी कैन हैव एज वर्टेक्स कहाँ कहाँ हो सकता है? एक पॉइंट है एट द सेंटर। तो लेट अस सी, ये सेंटर है। अब सेंटर को ज्वाइन करते ए से लेके ओ तक, दिस इज वन आर्म और दूसरा है दिस वन। यहां से ये देखिए, तो ये एक एंगल फॉर्म हो गया कि नहीं, है ना? एक एंगल दिख रहा है आपको, एंगल ए ओ बी। तो ये जो एंगल बना है, ये एंगल बना है बाय सबटेंडिंग इट एट द सेंटर। ये सेंटर से बना हुआ है। ये दोनों एंड पॉइंट्स आर्क ऑन द आर्क में है, आर्क का ऑफ सर्कल है, वो सेंटर पे सबटेंड करता है। और वैसे ही इसका एक पॉइंट हम यहाँ पी पे ले सकते हैं ऑन द सर्कल। तब क्या होगा अपना, तब क्या होगा? ये देखिए, दिस इज द एंगल दैट वी हैव। ये देखिए, ये एक आर्म हो गया उस एंगल का, और ये दूसरा आर्म हो गया। सो ये दूसरा एंगल है। तो वी हैव अनदर एंगल, दैट इज ये जो एंगल है, दिस इज एन एंगल सबटेंडेड। ये जो एंगल है, ये एंगल इज सबटेंडेड ऑन द सर्कल बाय दिस आर्क, और ये जो एंगल ए ओ बी है, इट इज एट द सेंटर। तो इस तरह के दो टाइप ऑफ एंगल्स हम बना सकते हैं। अब ये जो दोनों एंगल्स बने हैं, हमें इसके बारे में एक रिलेशन देखना है। ये एक्चुअली एक रिलेशन है इन दोनों एंगल के बीच, एंड वो है एक थ्योरम। वो ये है कि the angle subtended by an arc of a circle at the center, आप ये arc of a circle at the center, that is इस angle की बात कर रहे हैं AOB, और in the remaining part of the circle, that is APB, इन दोनों के बीच का relation ये है कि it is double the angle, angle AOB जो है, angle AOB का जो measure है, वो double है APB का, that means अगर APB का measure 20 degree है, तो इफ एपीबी मेजर्स 20 डिग्री, एंगल एपीबी अगर 20 डिग्री का मेजर है, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एओबी? उसका डबल, दैट इज 40 डिग्री, राइट? अगर उसका मेजर 30 डिग्री है, तो उसका एंगल यहां हो जाएगा 60 डिग्री। ये है उसका रिलेशन। तो उस चीज का प्रूफ है यहाँ पे जो देखा है, ये लिख किया है मैंने। ये प्रूफ है जो बच्चों आप सबको
बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिसका प्रूफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। सर्कल्स के चैप्टर का एक वाला इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये कि एंगल पी ओ क्यू। अब मैंने ये तीन टाइप ऑफ सर्कल्स लिए हैं। ये तीन टाइप ऑफ सर्कल्स क्या बताता है? यहाँ पे जो आर्क मेजर है, ये जो पी क्यू है आर्क, ये पी क्यू है, ये आर्क है, एंड दिस पी क्यू, इन तीनों का क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस ये है कि ये जो आर्क है दिस इज द माइनर आर्क, और ये जो आर्क है सेमी सर्कुलर आर्क है, और इसको बोलते हैं मेजर आर्क। तो इस तरह से तीन मेजर्स हो सकते हैं ना, तीन लेंथ हो सकता है आर्क का। एक छोटा आर्क है, एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मीन्स जहाँ से सेंटर, दैट इज द डायमीटर, दैट इज पी ओ क्यू विल बी द डायमीटर, और ये जो ज्यादा लेंथ है मेजर लेंथ। इन तीनों के सिचुएशन में एक ही प्रूफ है, इसलिए एक ही साथ मैंने तीनों फिगर बनाया है, एंड वी कैन हैव द प्रूफ सेम वे, दैट इज तीनों डायग्राम्स में एक ही रीजनिंग के साथ प्रूफ किया गया है। तो ये तीनों को हम तीनों में एक ही चीज पढ़ सकते हैं, लाइक यहाँ पे एक इन ट्राइंगल ए ओ पी, ये जो ट्राइंगल ए ओ पी है उसमें वी हैव ये एंगल थ्री है, ये भी एंगल मैंने थ्री लिखा क्योंकि दे आर इक्वल। वाई आर दे इक्वल? बिकॉज ओ ए ओ पी दे आर द रेडियस विच विल बी इक्वल, सो द ट्राइंगल ए ओ पी फॉर्म विल बी एन आइसोसेलस ट्राइंगल। सो इस ट्राइंगल में ये वन और थ्री के बीच में क्या रिलेशन है? वन जो है ये एक्सटीरियर एंगल फॉर द ट्राइंगल ए ओ पी, इसके बाहर बना है, ए ट्राइंगल ए ओ पी के बाहर बना है, दैट इज एक आर्म को एक्सटेंड किया है ए बी तक, उसका एंगल फॉर्मेशन है एंगल वन। तो वी हैव अ रिलेशन बिटवीन दिस वन एंगल एंड दीज टू एंगल, ये दोनों इक्वल होने के कारण इन दोनों का एडिशन इज दिस एंगल। सो वी हैव एंगल पी ओ बी टू टाइम्स एंगल पी ए बी, पी ए बी का ट्वाइस है। वैसे ही सिमिलरली एंगल ए ओ क्यू, इन ट्राइंगल ए ओ क्यू, इस ट्राइंगल में ये छोटे ट्राइंगल, ये चीज सेम चीज आपको रिपीटेशन में दिख रहा है। यहाँ पे देखिए POB, that is angle 1 जो है वो exterior angle है for triangle AOB। यहाँ भी देखिए triangle AOP का exterior angle 1 बना है, this is extended। इसके कारण angle 1 का measure दो तीनों stages में एक ही रहेगा, twice angle 3। Likewise, दूसरा triangle AOQ में भी you find that angle 2 is twice of angle 4। ये 2 है, it's equal to 4। क्योंकि इसका भी मेजर 4 रहेगा, इस एंगल का भी मेजर 4 रहेगा। सो द मेजर ऑफ दिस एंगल इज 4, इन दोनों का एडिशन है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, सो दिस 2 विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल 4। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हमने ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन, लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन देखिए, एंगल पी ओ बी एंड क्यू ओ बी, पी ओ बी और क्यू ओ बी इन दोनों को ऐड किया तो ये पूरा एंगल बनेगा एंगल पी ओ क्यू, ये पूरा एंगल बनेगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल पी ओ क्यू, जो इस आर्क में, ये आर्क जो है छोटा सा आर्क जो है, माइनर आर्क जो है, दैट हैज सबटेंडेड दिस आर्क पी ओ, ये आर्क ने सेंटर पे जो सबटेंड किया उस एंगल का मेजर है एंगल पी ओ क्यू। वेरी सेम थिंग, इफ दीज टू आर एडेड, इन दोनों को ऐड किया, टू कॉमन ले सकते हैं, पी ए ओ और क्यू ओ, क्यू ए ओ ऐड हो जाता है, पी ए ओ मीन्स ये वाला एंगल और क्यू ए ओ दैट इज दिस एंगल, ये दोनों ऐड करके दिस मेक्स दिस एंगल। यहाँ भी देखिए पी ए ओ दैट इज ये वाला एंगल और क्यू ए ओ दैट इज ये वाला, तो दैट इज टोटल ये बना। वैसे ही पी ए ओ यहाँ भी और क्यू ए ओ यहाँ पे, सो वी गेट दिस पर्टिकुलर एंगल। तो इन ऑल दीज केसेस वी फाइंड दैट दिस, इस एंगल का ट्वाइस है मेजर ऑफ दिस एंगल, ये जो एंगल बना है हमारा इसका, ये जो है दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस मेजर, ट्वाइस ऑफ दिस मेजर। सो आर्क लेंथ मेजर माइनर और सेमी सर्कल जो भी होगा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो इससे हमें एक रिलेशन मिलेगा, लाइक यहाँ पे एक रिलेशन मिलेगा, पी ओ ए क्या है अपना, पी ओ क्यू इज डायामीटर,
डायमीटर। तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन रहेगा, एंगल पी ओ क्यू, ये जो एंगल है दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। अब पी ओ क्यू का मेजर क्या है, द मेजर ऑफ एंगल पी ए क्यू, पी ए क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। पी ओ क्यू देखिए एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है इस केस में, सो इफ पी ओ देयरफॉर इट मेजर्स 180 डिग्री व्हिच इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। So therefore, this implies angle PAQ's measure is 90 degree. That means, कभी भी, any time, अगर हमारे पास एक line segment है, which is passing through the center, that is known as the center, that is diameter of the circle. ये जो diameter है, whatever angle it subtends in its alternate segment, ये जो segment पे, जो भी angle it subtends, it will always be 90 degree. So angle in a semicircle is, angle in a semicircle is 90 degree. Kabhi bhi aapne angle form kiya hai in semicircle is always 90 degree. So ek result mil gaya humne iske karan. Theek hai, ye ek result clear ho gaya. Ab let us take one question based on it. Kya hai question? कि ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए आपको दिख रहा है, ए बी सी दे आर थ्री पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट एंगल बी ओ ए इज 60 डिग्री, बी ओ ए इज दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। अब डी जो है, डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, इसके अलावा दैट इज अपार्ट फ्रॉम दिस आर्क, इस आर्क को छोड़ के दूसरे ऑल्टरनेट आर्क साइड में, ऑल्टरनेट में दूसरे साइड में, तो ये माइनर आर्क दिख रहा है आपको, माइनर मतलब लेंथ इसका छोटा दिख रहा है, तो दूसरे साइड में इट इज मेजर। सो इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन द मेजर साइड, मेजर आर्क, दैट पॉइंट आई हैव टेकन एज डी, इसका मेजर क्या है ये निकालना है। तो अब आप देखिए, ये दोनों एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी दोनों का मेजर दिया हुआ है, सो टोटल लेंथ क्या हो गया, ये वॉट विल दिस मेजर बी, the total measure of this angle be, what will the total measure of this angle be, 90 degree. और 90 degree होने के कारण इसका measure क्या हो जाएगा, relation क्या है ये, that is angle AOC is twice of angle ADC. तो AOC का measure 90 degree है, so therefore angle ADC का measure will be 45. So that's the answer. ये है पूछा गया आपसे। So this is the application of this question, जो theorem हमने अभी किया है। ठीक है? So now let me move to the next one. The next one that we have is, अगर मान लो, if the a line segment joining two points subtends equal angles, that is अगर एक line segment है ये, ये PQ एक line segment है ये, PQ is a line segment. ओके ये लाइन सेगमेंट जो है इट सबटेंड्स इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल ऑन द सेम साइड, पी क्यू के कोई कौन से साइड में हमने देखा पॉइंट ए एंड बी, देर ऑन द सेम साइड जो मेजर आर्क में है, देखिए ये मेजर आर्क में है, तो ए पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट बी है, तो अगर ये ऐसे दो एंगल्स हैं, एंगल पी ए क्यू एंड पी बी क्यू, दोनों एक ही साइड है पी क्यू के, अगर ये दोनों मेजर्स इक्वल है, ये दोनों एंगल का मेजर इक्वल होता है, तो देन इट पासेस थ्रू अ सर्कल, ऑल दीज फोर पॉइंट दे पास थ्रू अ सर्कल, दैट मीन्स अगर हमने एक सर्कल बनाया जो ए बी पी से पास होता है, इट विल पास थ्रू द फोर्थ पॉइंट दैट इज क्यू, ये चारों पॉइंट जो है सर्कल पे होगा, एंड सच पॉइंट्स आर नोन एज कॉन साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए क्या हम करेंगे, लेटर यू हैव टू प्रूव दैट ए बी क्यू पी दे लाई ऑन अ सर्कल एंड व्हाट इज गिवन टू अस, एंगल पी ए क्यू एंड पी बी क्यू आर इक्वल। तो ये हम करते हैं कि लेट अस मेक अ सर्कल, सबसे पहले हम सर्कल पासेस थ्रू थ्री पॉइंट, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, सर्कल को कैसे बनाया तीन पॉइंट से, वी हैव टेकन अ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू पी ए क्यू, ये सर्कल एक बनाया। अब अज्यूम करिए
कि द सर्कल पासेस थ्रू पी ए क्यू एंड इट पासेस थ्रू बी प्राइम, या तो ये पॉइंट से जा रहा है या तो ये पॉइंट से, दैट इज इट इज नॉट पासिंग थ्रू बी, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ये पॉइंट बी प्राइम यहाँ दूर है, ये बी डबल प्राइम पास में है, वी डोंट हैव अ सर्कल, अभी जो सर्कल के अंदर है बी प्राइम और ये बी प्राइम डबल प्राइम अंदर है एंड बी प्राइम बाहर है सर्कल के, तो बी हमने ये माना नहीं है कि इस सर्कल पे है, तो हमें लेन के आना पड़ेगा, वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज पासिंग। अगर हमने ये अज्यूम किया तो हमें क्या रिजल्ट, अगर बी प्राइम अगर सर्कल पे है, मान लो बी प्राइम सर्कल पे, दैट इज ये पॉइंट बी नहीं है हमारे पास जो सर्कल पे है, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, हमारे पास ये नहीं है, तो हमारे पास ये पॉइंट है बी प्राइम विच इज ऑन द सर्कल, तो हमें क्या दिख रहा है कि बी प्राइम इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल विच इज ऑन द सेम साइड, तो मेजर ऑफ एंगल पी ए क्यू, ये जो एंगल है पी ए क्यू, पी ए क्यू, पी ए क्यू का मेजर पी बी प्राइम क्यू, या तो पी प्राइम क्यू होगा या बी डबल प्राइम, दोनों में से ऑब्लिक मीन्स, या इन दोनों में से एक रिजल्ट, वट एवर इट इज, क्योंकि या हम सर्कल के बाहर है या हम अंदर लिया, ये पॉइंट है, ठीक है, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉर्नर, तो बट दिया क्या है अपने पास पी ए क्यू इज इक्वल टू पी बी क्यू, तो इससे ये दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया, सो वॉट इन्फॉर्मेशन डू वी हैव, द राइट हैंड साइड हैज टू बी सेम, दैट इज पी बी क्यू जो एंगल है वो पी बी प्राइम क्यू से होगा या फिर ये डबल प्राइम से होगा, दोनों में से एक, अब हम एक को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू पी प्राइम क्यू इन, तो इससे हमें क्या दिख रहा है आपको, आप देखिए पी क्यू और ये बी है, बी इज दिस पॉइंट, अब ये बी पॉइंट है ये अपने पास, वी हैव दिस पॉइंट बी, तो वी हैव द मेजर ऑफ दिस एंगल पी पी बी क्यू और पी बी प्राइम क्यू, दैट इज ये जो एंगल है, ऐसे करके देखेंगे हम, यहां से एक मेजर है ये, इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं, इस पॉइंट को Q लेंगे, तो ये पॉइंट हमारा B प्राइम है, ये पॉइंट B है, तो ये थ्योरम बोल रहा है कि ये जो एंगल है और ये मेजर एंगल, ये दोनों मेजर सेम होंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, एक आम एक्सटेंड इट इज नेवर पॉसिबल, ये दोनों ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसके ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं होता, अभी हमने कहा था ना दिस इज फॉर्मिंग एन एक्सटीरियर एंगल, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों का एडिशन होता है, तो ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता, बट हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज इट सेइंग, ये जो पॉइंट बी प्राइम है ये कोई पॉइंट अलग नहीं है, ये बी का ही पॉइंट है, दैट इज दिस इज नॉट, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाला जो पॉइंट है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ बी प्राइम वापस आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी ये सेम पॉइंट, तो हमारे पास बी प्राइम बी पे कोइंसाइड हो गया, लाइक वाइज बी डबल प्राइम, अब आप यहाँ पे पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट ये बी प्राइम डबल प्राइम है, ये बोल रहा है कि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर, सेम रीजनिंग है, ये एंगल इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल होगा व्हेन बी प्राइम ये पॉइंट यहाँ चले, तो बोथ द केसेस सेज दैट ये बी प्राइम या बी डबल प्राइम दोनों जो है दे आर ऑल कोइंसिडेंट, एक ही पॉइंट है, सो हमने माना था कि इट इज पासिंग थ्रू बी प्राइम, तो वो बोलते हैं बी पी से पास कर रहे हैं या तो बी डबल प्राइम से जा रहा है तो भी वो बी से पास हो रहा है, सो व्हाट इज इट सेइंग कि इट हैज टू पास थ्रू बी ओनली, दैट इज ए पी क्यू से जो सर्कल पास हो रहा है वो बी से भी पास होगा, दैट द मीनिंग ऑफ दिस, सो देयरफॉर दे आर कॉन्साइक्लिक, ऑल फोर पॉइंट दे लाई ऑन अ सर्कल, अब उस क्लिक टर्म यूज किया है कॉन्साइक्लिक, अब उसके अलावा अगर आप देखेंगे ध्यान से हम एक क्वाड्रिलैटरल भी बना सकते हैं, देखिए ए बी क्यू पी ए एक क्वाड्रिलैटरल बन गया, दैट इज अ क्वाड्रिलैटरल इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल, सो वी हैव द क्वाड्रिलैटरल व्हिच इट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, अब इस क्वाड्रिलैटरल की क्या खासियत है, इस क्वाड्रिलैटरल को क्या बोलते हैं, इस क्वाड्रिलैटरल को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, it is known as cyclic quadrilateral, a quadrilateral which is inscribed in a circle, ab is quadrilateral ka property ye hai ki some of the opposite angles of a cyclic quadrilateral will always be supplementary, that is agar hamare paas
ये दिस इज द ऑपोजिट एंगल, दैट इज ये जो एंगल है, सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल, एंगल ए एंड एंगल सी, दैट इज एंगल ए और एंगल सी का मेजर जो है टोटल करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 180 डिग्री, ये प्रूव करना, और बी और डी को एड करेंगे तो इट इज 180 डिग्री। तो इसका एक प्रूफ जल्दी से देखते हैं अपन। वी हैव दिस एंगल, ये जो है दैट इज, ये देखिए, ये मैंने ये एक सेंट्रल एंगल से बनाया, ये देखिए, ये देखो, ये जो मेजर एंगल ए का है, व्हाट इज दिस फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय बी ओ डी, ओ मीन्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये जो एंगल है इट इज फॉर्म्ड बाय दिस आर्क ऑफ अ सर्कल, तो ये जो आर्क से बना हुआ सर्कल, इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट बाहर दूसरी साइड वाला जो एंगल है दैट इज एंगल वन, इसके बीच में रिलेशन है, व्हाट इज दैट रिलेशन, एंगल ए इज ट्वाइस ऑफ एंगल वन, वैसे ही ये जो एंगल सी है इट इज फॉर्म बाय द कॉट आर्क, ये वाला आर्क है दिस आर्क, इस साइड वाला आर्क, तो इसका ऑपोजिट एंड है ए, तो द सेम कॉट दैट इज वही आर्क इस आर्क में सब्टेक्ट करते हुए जो एंगल बनता है दैट इज बी ए डी, सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एंगल सी एंड एंगल टू, वो रिलेशन है एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल टू, तो सेम चीज करेंगे, आई विल बी एडिंग द टू एंगल्स एंड द राइट साइड गेट्स एडेड अप टू टाइम्स एंगल वन प्लस टू, अब ए प्लस सी देखिए, ये कंप्लीट एंगल हो गया, ए प्लस सी एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, इट गिव्स यू 360 डिग्री, सो देयरफॉर दिस एंगल, एंगल ए प्लस एंगल सी कम्स आउट टू बी 180 डिग्री, सेम रीजनिंग के साथ आप ऑपोजिट साइड ऑपोजिट पेयर को भी कर सकते हैं, सो एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कभी भी क्वाड्रिलैटरल के अंदर, सॉरी एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलैटरल है, आपको क्लियर दिख रहा है ये फिगर, ये क्वाड्रिलैटरल, अब आप देखिए इसमें, अब आप देखिए मैंने ये चेंज किया है, बिना मैम, मैम दो मिनट और शेष है हमारे इस सत्र में, हाँ एक मिनट, ये देखिए आपको ये ऑपोजिट मेजर्स दिख रहा है, ये मेजर किया हुआ एंगल है, दिस इज 101 प्लस 79, दोनों का मेजर जो है 180 डिग्री होता है, वैसे 74 और 106 ये ऑपोजिट एंगल, ये दोनों का मेजर आप कोई भी इसमें चेंज कर देंगे रेडियस, आप फिर भी देखेंगे कितना भी बड़ा सर्कल, कोई भी सर्कल हो जाएगा, मेजर विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट, दैट इज ऑपोजिट एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल, सो दिस इज अनदर थ्योरम। अब ये जो क्वेश्चन थे, ये दो क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस सर्कल के चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, सो विल टेक अप इन द, कितना टाइम बाकी है ये मैं जल्दी ले लूँ क्या, ये देखिए एक क्वेश्चन ले सकते हैं मैम जी, हां इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, अब दिया गया है कि कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड है एसी, ये दिस इज एबी, ये जो रेडियस इसका लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब ऑल दीस लेंथ्स आर, ये जो ट्रायंगल बन रहा है एओपी, ये ट्रायंगल जो बनेगा दैट विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर ऑफ ईच एंगल विल बी इक्वल एंड दे मेजर 60 डिग्री, तो इसके कारण हमारे पास ये मेजर कितना हो गया 60 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन है कि एंगल ए पी बी के बारे में निकालना है, एंगल ए पी बी, तो हाउ विल यू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए पी बी, आप देखिए ए पी बी क्यू ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो कहीं से अगर हमें इसका वैल्यू या इसका वैल्यू से विल गेट द आंसर, देखिए आप ए ओ बी और ए क्यू पी में एक रिलेशन है, What will the measure of angle AQPB? उसका आधा हो गया ना 30 degree. So measure of angle AQB will be 30 degree. Now since APBQ are points on the circle, therefore APQ will be a cyclic quadrilateral. So cyclic quadrilateral का हमने भी characteristics पढ़ा कि opposite pairs of angles जो add करेंगे तो its sum is 180. So AQB का measure तो 30 degree है. So what is the measure of angle APB? 180. ठीक है? ये क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे सत्र का समय समाप्त होने जा रहा है मैम, अगले सेशन में हम इसको ले लेंगे। बिना मैम आप यहाँ पे आए और हमारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए सर्कल्स के बारे में,
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है सर्कल्स का। जी जी मैम, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स को बताया, और हमें उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिस तरह से आपने सॉल्व करे क्वेश्चंस, उस तरह से और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक या एग्जाम्पलर्स को सॉल्व करेंगे, जितना मैथ्स को वो सॉल्व करेंगे उतना ही अधिक उनके लिए ईजी हो जाएगा मैथ्स। तो मैम थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैम। सो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, अभी आप मैथ्स पढ़ रहे थे सर्कल्स के बारे में, तो हमारा ये सत्र यहीं समाप्त होता है, लेकिन आप बने रहिए ई विद्या चैनल पे। अभी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव चैनल्स में हैं और आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी हमारे इस चैनल के माध्यम से, तो बने रहिए ई विद्या चैनल पर और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।